नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। पूर्व सांसद और एक्ट्रेस जया प्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट से उनके खिलाफ आचार संहिता मामले में ये वारंट जारी किया गया। कोर्ट ने जया प्रदा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर कोर्ट के वकील संदीप सक्सेना का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था। वकील संदीप सक्सेना ने कहा कि जया प्रदा के खिलाफ 2019 लोकसभा के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कई बार गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं, परंतु जया प्रदा अदालत में नहीं आई। आज जया प्रदा की तरफ से अधिवक्ता ने वारंट वापस लेने के लिए अदालत में आवेदन दिया था, जिसे बहस के बाद खारिज कर दिया गया। उनके दोनों जमानतियों को भी गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। अब तक जया प्रदा के खिलाफ 5 बार गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान बीजेपी नेता जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। उनके खिलाफ ये मामला रामपुर के स्वार थाना और केमरी थाना में दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट उनके खिलाफ पहले ही 4 बार गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है। सोमवार को उनके खिलाफ 5वीं बार वारंट जारी किया गया। इसके अलावा कोर्ट ने जया प्रदा के जमानतियों को भी नोटिस जारी किया गया है। जया प्रदा के खिलाफ इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। इस मामले में बार बार कोर्ट में गैर हाजिर रहने के कारण जया प्रदा का बयान दर्ज नहीं हो पाया। उनके बयान दर्ज होने के बाद ही मामले में आगे सुनवाई हो पाएगी। सोमवार को कोर्ट ने जया प्रदा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।